हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SH फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये डिज़ाइन आज हम बुनाई करना सीखेंगे। केबल पैटर्न है और बहुत ब्यूटीफुल बनता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। राइट साइड से देखिए, हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है और रॉन्ग साइड से देखिए, हमारा ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, देखते हैं हम डिज़ाइन किस तरह से बुनाई करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने 9 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं। ये जो डिज़ाइन है हमारा देखिए 9 के मल्टीपल में चल रहा है, प्लस बाद में आपको इसमें 4 कर लेना है, तो आपका जो डिज़ाइन है अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको 22 फंदों में जो डिज़ाइन है डाल करके बताऊंगी, जिसमें आपका ये 2 पट्टियाँ बनेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको बनाना। 9 से गुणा करके 18 और प्लस उसमें 4 करके मैंने यहाँ पर 22 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। डिज़ाइन अगर पसंद आएगा तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लगाए हैं 22 स्टिचेस। अब चलिए इसको बुनाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले आप बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। पहली रो सीधी तरफ से, रो वन राइट साइड से, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहले फंदे को हमने यहाँ पे सीधा उतार लिया, धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। यहाँ से हम अपना रिपीट पैटर्न शुरू कर रहे हैं। 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे। अब आगे वाले जो 2 फंदे हैं 1 2, ठीक है, इन दोनों फंदों में देखिए, इस दूसरे को हम पीछे की तरफ से आगे लाएंगे और पहले वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे। अब इस फंदे को आगे लाया और इसको सीधा बुनाई कर लेंगे। अब दूसरा फंदा जो हम पीछे ले गए थे उसको हमने स्लिप कर लेना है। अब एक बार फिर से ऐसा ही करेंगे। देखिए, दूसरे फंदे को पीछे की तरफ से, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, पीछे की तरफ से हमने सिलाई डाली, इसको हम पीछे ले गए और इसको हम आगे ले आए और पहले वाले फंदे को पीछे ले गए। अब जो आगे लाया फंदा उसको हम सीधा बुनाई कर लेंगे और जो पीछे वाला फंदा है उसको स्लिप कर लेंगे। अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए, ये जो शुरू का एक फंदा है इसको छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यही हमने रिपीट करना है। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे। अब आगे वाले जो 2 फंदे हैं इसमें दूसरे फंदे को पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और इसको आगे ले आएंगे और पहले वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे। अब जो फंदा हमने आगे लाया उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है और दूसरे फंदे को स्लिप कर लेना है। एक बार फिर से ऐसा करेंगे, दूसरे वाले फंदे को आगे लाया, पहले वाले फंदे को पीछे ले गए। अब जो फंदा हमने आगे लाया उसको हम सीधा बुनाई कर लेंगे और जो दूसरा फंदा हमने, जो पहले वाले फंदा हम पीछे ले गए उसको हमने स्लिप कर लेना है। फिर 3 फंदे सीधे, 2 3। तो सारी रो देखिए हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, 2 हम उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। ये हो गई हमारी पहली सिलाई सीधी तरफ से। अब आ जाइए रो 2 पर, रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। तो उसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। ठीक है, इसी की तरह आपको सारी जो रॉन्ग साइड की रोज हैं वो इसी की तरह बनानी है आपको, तो इसलिए इस रो को आपने ध्यान से देखना है। पहले फंदे को उतारा, अब 2 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे, 1 2। ठीक है, 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लिए। अब 7 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं, 2 3। यहाँ पर आप देख सकते हो जो केबल डाली थी उनको भी हम उल्टे बनाएंगे, 4 5, ये देखिए 6 और ये 7। ये जो शुरू का एक फंदा है इसको छोड़ देंगे और यहां से लेके यहां तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। क्या रिपीट करना है? 2 फंदे सीधे, 2, धागा आगे, 7 फंदे उल्टे। इसी तरह से हम ये सारी रो कंप्लीट करनी है हमने। ठीक है, रॉन्ग साइड की जितनी भी रोज हमारी बनेंगी उसमें हमने यही जो सेकंड रो हम बना रहे हैं यही हमने रिपीट करनी है। तो इसलिए मैं आपको रॉन्ग साइड की रोज अब आपको नहीं बताऊंगी, आपको बस यही रो रिपीट करनी है। तो लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, 2 हम ये सीधे बुनाई करेंगे और लास्ट के फंदे को हमने उल्टा बुनाई कर लेना। अब आ जाइए रो 3 पर, राइट साइड से थर्ड सिलाई सीधी तरफ से। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहले फंदे को सीधा उतारा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे।
अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वो वाला फंदा है जिसमें हमने केबल डाली थी। तो अब इन दोनों फंदों को, एक ये फंदा एक ये फंदा, इसमें दूसरे फंदे को आगे लाएंगे और जो पहले वाला फंदा है इसको पीछे ले जाएंगे। अब जो फंदा हमने आगे लाया उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है और पीछे वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। आगे फिर से हमने यही रिपीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे वाले फंदे को आगे लाएंगे और पहले वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे। अब जो पहले वाला फंदा हमने आगे लाया उसको हमने स्लिप बुनाई कर लेना है सीधा और दूसरे फंदे को स्लिप कर लेना है, फिर दो फंदे सीधे, ठीक है। अब ये जो शुरू का एक फंदा है इसको हमने छोड़ देना है और यहां से लेके यहां तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यही हमने रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो में केबल डाली, दो में केबल डाली और दो फंदे सीधे। इसी तरह से आपने सारी रो ये कंप्लीट करनी है। फिर से एक बार देख लीजिए, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब आगे वाले दो फंदों में केबल डालेंगे, दूसरे फंदे को आगे लाएंगे और पहले वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे। अब जो हमने फंदा आगे लाया इसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है और दूसरा फंदा स्लिप कर लेना है। फिर से एक बार इसी तरह इसी तरीके से केबल डालेंगे, ठीक है। दूसरे फंदे को आगे लाया, इसको सीधा बुनाई कर लिया और इसको स्लिप कर लिया, फिर दो फंदे सीधे। सारी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। अब रो फोर आपने रॉन्ग साइड से रो टू ही रिपीट करनी है। अब आ जाइए रो फाइव पर, राइट साइड से पांचवी सिलाई सीधी तरफ से। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहले फंदे को सीधा उतारा, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू, ठीक है। अब आगे वाले जो दो फंदे हैं यहां पर आप देख सकते हो यहां पर डिजाइन दिखना स्टार्ट हो गया होगा। तो आप दूसरे फंदे को आगे लाएंगे और पहले वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे। अब दूसरे फंदे को आगे ले जा लाकर इसको सीधा बुनाई कर लेंगे और पहले वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे जो हम पीछे ले गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमने वैसा ही करना है, ठीक है। दूसरे वाले फंदे को आगे लाया, फिर इसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है और जो पहले वाला फंदा जो हम पीछे ले गए उसको हमने स्लिप कर लेना है, फिर एक फंदा सीधा। अब ये जो शुरू का एक फंदा है इसको छोड़ देंगे और यही नौ फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे। दो फंदे उल्टे बनाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू। अब आगे वाले जो दो फंदे हैं उनमें केबल डालेंगे, पहले वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे और दूसरे वाले फंदे को आगे लाएंगे। जो आगे लाया फंदा उसको सीधा बुनाई कर लेंगे और दूसरे को स्लिप कर लेंगे। एक बार फिर से हमने वही करना है, ठीक है। दो बार हमने इस तरीके से करना है। ये पहले को सीधा बुनाई कर लिया, दूसरे को स्लिप कर लिया, फिर एक फंदा सीधा। तो सारी रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। लास्ट में हमारे पास तीन फंदे बचेंगे, दो हमने उल्टे बनाने हैं और लास्ट का फंदा सीधा। रो सिक्स रॉन्ग साइड से रो टू ही रिपीट करनी है। अब आ जाइए रो सेवन पर, राइट साइड से सातवीं सिलाई सीधी तरफ से। ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को सीधा उतारा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, वन टू, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री। अब देखिए क्या करेंगे। आगे वाले जो दो फंदे हैं इनमें फिर से केबल डालेंगे, दूसरे को आगे लाएंगे और पहले वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे। अब आगे लाकर इसको सीधा बुनाई कर लिया और दूसरे फंदे को स्लिप कर लिया, ठीक है। अब फिर से यहां पे केबल डालेंगे इस तरीके से, जैसे हमने पहले बनाई वैसे ही यहाँ पे भी करना है। अब पहले वाले को सीधा बुनाई कर लेंगे और दूसरे वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो ये जो शुरू का एक फंदा है इसको छोड़ देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो तीन फंदे सीधे, टू थ्री ते हो। अब देखिए आगे वाले जो दो फंदे हैं इसमें इस फंदे को आगे लाएंगे और इसको पीछे ले जाएंगे। अब जो फंदा हम आगे ला रहे हैं उसको हमने सीधा बुनाई करना है और दूसरे वाले फंदे को स्लिप करना है। एक बार फिर से वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो इसी से हमारा जो डिजाइन है वो इसी से क्रिएट हो रहा है। फिर आगे वाले को सीधा बुनाई कर लेंगे और पीछे वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे।
तो इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो हम उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। अब रो 8 रॉन्ग साइड से रो 2 ही रिपीट करनी है। अब यहाँ पर देखिए रो 8 तक बुनाई करने के बाद हमारा डिजाइन भी यहाँ पर ओवर हो जाता है। अब यही 8 रो हम बुनाई करते जाएंगे, रो 1 से लेकर रो 8 तक ही हम कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारा डिजाइन किस तरह से दिखेगा ये जब हम रो 1 से लेकर रो 8 तक कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बुनाई करते जाएंगे वैसे वैसे देखिए हमारा ये ब्यूटीफुल सा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता जाएगा। डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।